अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त मैं खड़ी हूँ ग्लोब मोनूमेंट ऑफ सक्खर पर। आई लव सक्खर, यस आई रियली लव सक्खर। और मेरी जो साइट पर है, वॉकिंग ट्रैक की जो साइट पर है, यह है लबे मैरान पार्क, और इसके अंदर है वो फ्लैग पोल जो हाईएस्ट है काफ़ी ज़्यादा, और ये वर्ल्ड में 11th नंबर पर हाईएस्ट फ्लैग पोल है, जिसकी जो हाइट है वो है 288 फीट, एंड इस पर स्पेंड हुए हैं 90 मिलियन रुपीज़, जिसमें ये स्टील पाइप पर, जस्ट एक स्टील पाइप जो है जो इसको लगा हुआ है, ये इसके ऊपर 70 मिलियन स्पेंड हुए हैं, और इसके नीचे जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन पर जो पैसा खर्च हुआ है उसकी टोटल अमाउंट है 28.6 मिलियन रुपीज़, जो कि 15 फीट डेप्थ में जा रहा है। सो ये वो फ्लैग पोल है जो हर जगह से नज़र आता है सक्खर में। आप किसी भी एरिया में चले जाएं, आपको ये नज़र आ रहा होगा, और यहाँ जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अमेजिंग है। यहाँ रियल में जो फील आता है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और आई रियली लव सक्खर। ये ग्लोब मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आती जाती हूँ, और जब भी मैं बाहर आती हूँ इस ग्लोब को देखे बिना घर नहीं जाती। और ये है सक्खर बैराज। सक्खर बैराज के जो सामने है वो दरियाए सिंध है, और यहाँ दरियाए सिंध नीचे से क्रॉस हो रहा है, इंडस रिवर भी कहते हैं इसको। अच्छा, ये डांस टाउन ब्रिज जो है ये भी काफ़ी दूर से नज़र आता है, इसको यूब आर्क भी कहा जाता है, और ये भी बहुत बहुत पेरिस वाली फीलिंग देता है सक्खर को। और यहाँ इस वक्त जो मौसम है वो ठंडा सा हुआ पड़ा है, और जिसकी वजह से है धूप हल्की हल्की है। सक्खर बैराज जो है 1 मील लॉन्ग है, और 66 गेट्स हैं इसमें, और यहाँ ये नीचे गेट लगाया, और इसमें 7 कैनाल्स जो हैं वो निकलती हैं। और सक्खर बैराज जो है वो पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट बैराज है पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल। ये है रोरी कैनाल, इसके बारे में बाद में बताऊंगी, पहले ये बता दूं कि यहाँ पर जो है वो इतना सुकून है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा सुकून महसूस कर लूं पहले। सुकून, यहाँ पानी का शोर था बट उसमें भी सूथिंग फील आ रहा था। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, सबसे पहले कराची है, सेकंड पर हैदराबाद है, और थर्ड पर जो है वो है सक्खर, फिर फोर्थ पर आता है लारकाना एंड सो ऑन। इस वक्त मैं बैठी हूँ रोरी कैनाल पर। रोरी जो है वो बेसिकली एक स्मॉल सिटी है, सक्खर का ट्विन सिटी है, जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद है वैसे। जो इन दोनों सिटीज़ को आपस में ज्वाइन करता है वो है लैंसडाउन ब्रिज, जो पेरिस वाली फीलिंग देता है, अभी मैंने पीछे बताया था। यहाँ पानी का शोर है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और ये शोर जो है पहला शोर है जो मुझे पसंद आ रहा है। वैसे मुझे शोर से बहुत इरिटेशन होती है, मगर ये शोर जो है ये वाकई सूथिंग है, सुकून है, सुकून है इस शोर में। और अब मैं नीचे जा रही हूँ पानी में, लेकिन डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, और बट लेट्स सी, चेक करते हैं ज़्यादा गहराई में। अच्छा, ये स्टेयर्स हैं, ये ज़्यादा गहराई में जा रही हैं ना, हम 5-6 स्टेयर्स जो इस पानी के नीचे हैं शायद। और ये पप्पी आ गया, ज़रा मैं इसको थोड़ी सा लाडू कर लूँ, लेकिन मुझे पेट्स भी नहीं पसंद और मुझे डर भी लगता है, एक तरफ पेट है और एक तरफ जो है वो पानी है, मैं कहाँ जाऊँ। मैं खुद को रिलैक्स रखा है ताकि नहीं 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 पानी तेज़ है, प्रेशर ज़्यादा है इसमें, वापस थोड़ा सा
अरे नहीं इस, अरे उसने मुझे डरा दिया, कैमरामैन ने मुझे डराया, मैं नहीं डर रही थी सीरियसली। और अभी मेरे जो है लेसेस लूज़ हो गए थे। अच्छा आ जाओ, मैं अभी आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। ये इस साइड पर पानी है जो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरी साइड पर जो है वो पाउडर जैसी मिट्टी है जो मैंने बताया ना, यहाँ पर जो यहाँ की मड है ना, इसकी जो बेसिकली जो सिंध की मड है, ये देखें ये पाउडर जैसी है। और ऐसे ये जब तूफान वगैरह आता है तो ऐसे उड़ती है ना कि बस धुआं धुआं कर देती है धूल वगैरह। और जो दूर दूर, अच्छा यहाँ पर एक बच्चा है, आई डोंट नो मेरा कैमरामैन जूम करेगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा है, उसने अपनी बोट को लेकर चला रहा है, लेकिन वो मैंने उसको हेलो भी बोल दिया और उसने भी मुझे बोला। टू स्ट्रेंजर्स का आपस में कनेक्शन का बेस्ट वे है वेव कर देना। और यहाँ पे जो मुझे कुछ मिला है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी कि इसके अंदर ऐसे वेल होगा। ये कुआं नुमा कोई चीज़ है, कोई मेजरमेंट भी इसमें है, आई डोंट नो इसका क्या फंक्शन है यहाँ पर इस कैनाल में, कोई पता नहीं है मुझे इसके बारे में। बट यहाँ अंदर कचरा था फ़िलहाल तो, और काफ़ी ज़्यादा जो है डेप्थ नहीं थी इतनी ज़्यादा इसकी जितनी उस पानी की है। और ये मिट्टी पहले चेक कर लें कैसे पाउडरी, ये पाउडरी टाइप है, ये देखें, ये चेक करें, ये धूल उड़ती है जब तूफान आता है ना, फिर तो यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। शोर बहुत ज़्यादा था रियल में, वहाँ पर तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है ना मुझे कैमरामैन की ना कैमरामैन को मेरी, सो मैंने सोचा वहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोल दी जाएं जो बाद में वॉइस ओवर कर ली जाएं, क्योंकि एक छोटा सा क्लिप मैंने किया है तो शोर की वजह से मुझे वाकई समझ में नहीं आ रही है, तो आपको क्या समझ में आएगी। सो इस वजह से थोड़ा सा क्लियर वॉइस में बात कर लेना बेहतर है। आपको पता है यहाँ पर शोर जो था ना, उस शोर की वजह से ना एक आइडिया मेरे जहन में आया कि इंसान को अगर लड़ना हो ना किसी से तो वो यहाँ आकर लड़ ले। यहाँ पर यह है कि अगले को आपकी आवाज़ सुनाई, आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, दोनों की फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाएगी। अभी आ जाएं उसके करीब तरीन जाते हैं जहां पर शोर की आवाज़ बहुत लाउड होगी। बस आपने ना लड़ने के बाद यहां पे बैठ जाना मूड बनाकर, और आपको घंटों गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा इस शोर में कि आपकी किसी से लड़ाई हुई थी, फ्रस्ट्रेशन निकाली थी। सो इजी सीन्स हैं यहाँ पर, बहुत सुकून है, और ये जो शोर है ये बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये जो शोर है ना, यहाँ बैठकर आपकी जो ख्यालात के जो सोचों का शोर होता है ना, वो भी दब जाता है, ऐसा शोर है ये। और ऐसा शोर तो हर किसी को अपनी लाइफ में चाहिए जो इंसान को दूसरी सारी टेंशन से दूर कर दे। ये पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा था और यहाँ पर जो है बैठकर भी खौफ महसूस हो रहा था मेरे जैसे बंदे को जो कि पानी से डरता है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर भी इतना ज़्यादा है कि मेरे ख्याल से जो नॉर्मल इंसान भी है उसको भी थोड़ा सा फीलिंग आएगी कि यार ये डेंजरस है। तो बहुत सारे लोग जो पानी के करीब जाकर एहतियात नहीं करते, उनके लिए तो ये एडवाइस है कि यार आप पानी के पास जाके, चाहे वो पानी कहीं पर भी हो, चाहे ये वाला पानी हो, चाहे समुंदर का हो, चाहे किसी दरिया का हो, चाहे किसी कैनाल का हो, आप लोग एहतियात किया करें। ज़िंदगी सबसे ऊपर होती है और एक ही बार मिलती है, सो इसकी ना हिफाजत आपकी अपनी जिम्मेदारी है और आप पे फर्ज भी है। अभी मैं उसके ऑपोजिट साइड पर आ गई हूँ, यहाँ पर भी सेम स्टेयर्स हैं जैसे उस साइड उतरने के लिए, तो वो शोर जो है वो एक साइड पर है और दूसरी साइड पर स्टेयर्स उतर रही हैं। यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या सीन्स हैं। इस साइड पर डिफरेंट एनवायरनमेंट है, यानी कि पानी का कोई शोर नहीं है, बिल्कुल आराम से पानी जा रहा है।
वो जो ट्रैफिक पीछे से गुजर रही है उसके एक दो हॉर्न जो है वो हैं, और यहाँ मच्छर भी है। मेरा मास्क ले लूँ मैं, मास्क लगा लेना बेहतर है बिकॉज़ मैं एलर्जिक हूँ इन इंसेक्ट्स वगैरह से भी, सो इस वजह से। अब आपको पता है वहाँ सामने बर्ड्स उतर रहे हैं जो पानी में रुकते हैं एंड देन ऊपर चले जाते हैं। आई डोंट नो बर्ड्स को क्या कहते हैं, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है बर्ड्स के बारे में, बट ये है कि अच्छा लग रहा है ये भी एक सीन। और सूरज ग़ुरूब होने का वक्त है और बहुत सुकून है इस साइड पर, पानी का शोर भी नहीं है इस तरफ, ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल खामोशी है। दूसरी साइड पर कम अज़ कम ये है कि थोड़ा सा पानी का शोर वगैरह था तो थोड़ा सा रौनक लगी हुई थी, यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ दूर दूर ट्रैफिक नज़र आ रही है, बस उसका एक दो हॉर्न बजेंगे और शायद वो इसके बाद भी जो है वो काफ़ी वीराना हो जाए। यहाँ पे कोई लोग भी नहीं है, बिल्कुल रश नहीं है, खामोशी है। हालांकि हर जगह चले जाएं सखर में वहाँ आपको एक दो बंदे नज़र आ जाते हैं, ये ऐसी जगह जहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है। और वहाँ पे एक ब्लू कलर का बर्ड है जो मुझे नज़र आ रहा है और कैमरामैन को बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, और मैं उसको कह रही हूँ जल्दी से कैप्चर करो इससे पहले उड़ जाए, और मुझे लगता है उड़ गया, बिल्कुल ब्लू था। अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी शान है जो उसने डिफरेंट किस्म की मखलूकात बनाई और उसको कलर्स दिए, और बहुत खूबसूरत लगती है। ऐसी खूबसूरत जगहों पर ऐसी खूबसूरत चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। ये हल्की हल्की सर्दियों की खूबसूरत शाम है जो मैंने यहाँ पर बिताई है। ठंडी शाम और डूबता सूरज बहुत बेस्ट कम्बो है। और ये देखें सूरज डूब रहा है, और यहाँ पर जो महसूस करता है इंसान वो एक डिफरेंट फीलिंग है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। दूर दूर तक दरियाए सिंध है, उसकी एक गहराई है, उसकी एक वसत है जो हम दूर तक देखते हैं। और सखर बैराज है एक तरफ वो पोल है, फ्लैग पोल जो मैंने दिखाया था, हाईएस्ट फ्लैग पोल जो है वो देखें, और दूसरी साइड पर जो है नज़ारा है लैंसडाउन ब्रिज का, जो कि आम आंख एक होती है ना जो इंसान की अपनी आंख है उससे वैसे ही सब कुछ रियल में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। कैमरा जो है वो जूम करना पड़ता है कैमरा से, ठीक है। तो जो आप वहाँ जाके फ़ील करेंगे ना, जो खुद फील करेंगे वो एक डिफरेंट फीलिंग होगी, वो आप इस तरह वीडियोस में कभी भी आपको वो चीज़ फील नहीं होगी जो इंसान वहाँ पे महसूस कर रहा होता है, जो रियल में वहाँ मौजूद होता है। जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मुझे जो फील हो रहा है वो डिफरेंट है। और ये मेरे सखर में लास्ट डेज़ हैं, इस वजह से भी मैं ये व्लॉग बना रही हूँ अपनी मेमोरीज़ के लिए भी और आप सब के लिए भी, कि जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे सब कुछ रियल में देख चुके हैं उनकी तो अलग बात है, मगर जो लोग यहाँ नहीं आए हैं और शायद कभी देख भी ना पाएँ उनके लिए ये चीज़ें हैं और मेरे अपने लिए भी हैं, ताकि मुझे याद रहे कि ये सिटी मेरा सेकेंड फेवरेट सिटी हो गया था क्योंकि मुझे पसंद आया था। यहाँ से जाने के बाद एक फीलिंग रह जाती है ना इंसान को कि वो वक्त जो था, वो जो लम्हा था, वो हमने मुट्ठी में कैद कर लिया होता, वो लम्हे आपकी मुट्ठी से वैसे भी चले जाते हैं। सो जो जहाँ पर है वो वहाँ पर प्रेजेंट को एंजॉय किया करें, बिकॉज़ लॉस्ट टाइम नेवर फाउंड अगेन, खोया हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आता।